हम सबको जो लाइफ मिलती है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ लाइफ होती है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। और ऐसे ब्यूटीफुल थॉट्स हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि हम अपने डेली लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस करें, डिसअपॉइंट ना हो, अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखें, क्योंकि जैसे अच्छा टाइम परमानेंट नहीं होता, बुरा टाइम भी परमानेंट नहीं होता, वो भी चला जाएगा। तो इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है वेंसडे और मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ कुछ इंस्टेंट पॉट पे। अगर आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने इंस्टेंट पॉट ले लिया है, बट अभी तक मैंने उसको यूज नहीं किया है। फर्स्ट टाइम कुछ बनाने जा रही हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग करना तो बनता है। मेरे लिए भी ये मेमोरी ही है, लाइक डाउन द लाइन जब काफी टाइम बाद मैं आज का ब्लॉग देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि मैंने इंस्टेंट पॉट पे फर्स्ट टाइम ये बनाया था। क्या बनाया था? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। और ये बच्चा क्या कर रहा है? हाय केयूष, हाय कर दो। हाय। इधर देख के। हाय। हाय। क्या कर रहे हो आप? This is open, I'm doing this. क्या ओपन कर रहे हो? कैंडल जला दिया है आपने? No, mom is using the candle fire. हाँ, कैंडल आपने बैटरी वाला कैंडल जला दिया है ना? ऑफ कर दो। Maybe this put it. Maybe reach it up. हाँ, ऑफ कर दो। With my hands? हाँ, with your hands. No, my finger on my tongue. चलो, रखो, वापस रखो। अब बंद करो। छोड़ो वो क्या। थैंक यू। दाल मखनी बनाने वाली हूँ। कल रात को ही एक कप काली दाल और थोड़ा सा राजमा सोख करके रख दिया था, और ये अनियन, जिंजर गार्लिक और टमाटो भी चॉप करके रख दिया था मैंने। ये किचन एड का चॉपर है और ये मैं डेली यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और बटर में नहीं बना रही हूँ, होममेड घी में बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले सॉटे ऑप्शन पे मसाला फ्राई कर लूँगी। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है तो स्पाइसेस डालूंगी, सॉल्ट, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर। अब सॉटे ऑप्शन को कैंसिल करेंगे। एक कप दाल के लिए दो कप पानी डाल रही हूं। और फिर प्रेशर कुक के ऑप्शन पे 30 मिनट्स के लिए इसको कुक करेंगे। और ये केयूष बाहर प्ले कर रहा है और थोड़ा विंडी था तो अपने आप ही जाके ये जैकेट लेके आया है और बोलता है आई नीड टू वियर दिस जैकेट। और केयूष अपने शूज दिखा दो। और ये केयूष का फेवरेट शू है, ये लास्ट ईयर लिया था। इनफैक्ट थोड़ा टाइट ही होता है बट आजकल उसका फेवरेट है। अच्छा, ये कौन सा शू है? डायनासोर शू। डायनासोर शूज है? Yeah. और कल अपने स्कूल में शो एंड टेल भी किया है आपने अपने डायनासोर शूज का, है ना? I need to stay with mine.
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसको थोड़ा सा मैश कर दूंगी दाल को, ग्रेवी अच्छी बनती है फिर। बट ये अच्छे से बॉयल हो गया है, बिल्कुल परफेक्टली बॉयल हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए और सॉटे मोड पे थोड़ी देर इसको बॉयल होने दूंगी। दाल मखनी अच्छी बनी थी, लाइक मेरी जनरली भी दाल मखनी अच्छी ही बनती है, तो कुछ बहुत डिफरेंट सा टेस्ट नहीं था। हाँ, बस मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि क्लीन कुकिंग थी। प्रेशर कुकर में जैसे स्टीम निकलता है तो थोड़ा गैस एंड ऑल गंदा हो जाता है, और मुझे थोड़ा प्लान करके अर्ली मॉर्निंग बॉयल करना पड़ता है क्योंकि केयूष को सीटी से प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई। एक साथ वन पॉट में ही सारा मसाला भी भुन गया, उसी में बॉयल हो गया और केयूष को भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और बिल्कुल क्लीन कुकिंग थी, कहीं पर कुछ भी स्टीम फैला नहीं। टाइम भी कोई कम नहीं लगा, लाइक 50 मिनट्स तो लग ही गया पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाने में। बट एक अच्छी चीज ये है कि स्टील का पॉट है, सो डेफिनेटली हेल्दी कुकिंग है, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। वैसे देखते हैं जैसे जैसे बनाऊंगी नई नई चीजों का पता चलेगा। सो फार सो गुड। पर अभी हम सेव ऑन फूड जा रहे हैं। कल केयूष के स्कूल में ईस्टर परेड है, तो सारे पेरेंट्स को कुछ ना कुछ स्नैक्स असाइन कर दिया है, तो हमें ब्लूबेरी लेके जाना है, वही ब्लूबेरी लेने आए हैं। ब्लूबेरी इनफ होगा 20 स्टूडेंट्स के लिए? एक और ले लेना, एक और ले लो यशा। बहुत टाइम हो गया मैं इंडियन स्टोर गए हुए, तो हम सोच रहे हैं इंडियन स्टोर जाते हैं, और ये शायद तब से बोल रही है कैन वी हैव समथिंग इन डेजर्ट, तो मैंने बोला पापा इंडियन स्टोर जा रहे हैं तो डेजर्ट तो कुछ आ ही जाएगा, देखते हैं मिलता है या नहीं। हाय गाइस, थर्सडे मॉर्निंग है, सो गुड मॉर्निंग, और आज मेरा फास्ट होता है। 6:16 हो रहे हैं, 6 o'clock उठ जाती हूँ मैं, और आज केयूष का प्री स्कूल भी है। वैसे तो उसके स्कूल में ईस्टर स्नैक्स है, बट फिर भी मैं लंच बॉक्स तो दूंगी ही, तो सिंपल सा उत्तपम बना रही हूँ। यशा केयूष दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट हम सबको उत्तपम बहुत ज़्यादा पसंद है। सेव ऑन फूड से दाल, ये काले चने, बेसन और सूजी लेके आई हूँ।
बैसाखी के कारण बहुत अच्छा सेल चल रहा था सेव ऑन फूड में. ऑल 50% ऑफ पे थे ये दालें, कुकीज एंड स्नैक्स एंड ऑल. और मोस्टली सारे इंडियन फेस्टिवल में सेव ऑन फूड में एक अलग सा सेक्शन है, इंडियन सेक्शन, और वहां पे सेल जरूर लगती है. और आज केयूष के स्कूल में ईस्टर परेड है और उसे येलो पहन के जाना है, तो केयूष ने ये वाला चूज किया है, हुडी टी शर्ट. हुडी टी शर्ट येलो टी शर्ट. बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है. बस पूजा करने जा रही हूँ, फूल लेने आई थी. ज़्यादा फ्लावर्स नहीं तोड़े, अच्छा नहीं लगता ना फ्लावर्स तोड़ने में. फ्लावर्स तो प्लांट में जब रहते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं. बस दो तीन लिए हैं, इसी में से तोड़ तोड़ के सबको चढ़ा दूँगी, सब भगवान जी को चढ़ा दूँगी. कल इंडियन स्टोर से डोडा बर्फी लेके आई थी, तो मैंने इसको हटा के रख दिया था कि आज प्रसाद में पहले चढ़ाऊंगी. और रसगुल्ले और काला जामुन लेके आई थी, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया. वो तो हमने रात को ही आधा फिनिश हो गया, मैंने, ईशा ने और अनुज ने मिलके. काला जामुन यहाँ का बहुत ज़्यादा यम्मी है. गुलाब जामुन, बंगाली में काला जामुन बोलते हैं. गुलाब जामुन ना हर एक शॉप का अच्छा नहीं होता. एडमिंटन का उतना अच्छा नहीं होता था गुलाब जामुन, बट यहाँ का गुलाब जामुन बहुत अच्छा है. बट हाँ, एडमिंटन में बहुत सारे ऑप्शंस थे स्वीट्स के, लाइक प्रॉपर एक पूरा स्वीट शॉप था. बड़ी सिटी है ना और वहाँ पे बहुत इंडियंस हैं, तो इंडियन स्टोर और स्वीट स्टोर, क्लोथ स्टोर, ज्वेलरी स्टोर, लाइक एक दो मार्केट तो ऐसे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में नहीं हो. पूजा हो गई है, अभी चाय बनाऊंगी और थोड़ा सा मखाना फ्राई करूंगी. और अभी 10:45 हो रहे हैं और मेरे मोस्टली सारे काम हो गए और दाल मखनी भी है, तो अनुज का लंच भी हो जाएगा. आटा ऑलरेडी गूदा हुआ है तो रोटी बना दूंगी, मेरा तो लंच है नहीं. तो आज मुझे एक घंटा मिलने वाला है रिलैक्स करने के लिए, तो आराम से यही वाला वीडियो एडिट कर लूंगी. जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं तो कितना शांत लगता है ना घर, बट ये वाला टाइम ना बहुत जल्दी चला जाता है. लाइक मेरा मॉर्निंग आवर, जिस दिन केयूष स्कूल जाता है दो दिन ट्यूसडे थर्सडे, कैसे वो 2-3 आवर्स खत्म हो जाते हैं ना पता भी नहीं चलता है. आप लोग क्या करते हो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और घर का सारा काम खत्म हो जाता है, तो जस्ट रिलैक्स करने के लिए आप लोग क्या करते हो मुझे जरूर बताना. Yeah.
मुझे चाय का कप ठंड में ऐसे पकड़ने में बहुत मजा आता है. आप बताना. आई नो अभी गर्मी का टाइम है, वो फीलिंग नहीं आएगी, बट ठंड में कितना मजा आता है ना इस तरह से गर्म गर्म चाय का कप पकड़ने में. और जैसी बारिश होती है ना, थोड़ी सी ठंड हो जाती है, लाइक हवा चलती है ना इसलिए ठंड हो जाती है. हवा नहीं चले फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अभी 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे. फ्राइडे को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, इनफैक्ट ईशा की तो मंडे की भी छुट्टी है, तो लॉन्ग छुट्टी. आई होप वेदर अच्छा रहे. वेदर अच्छा रहेगा तो हम लोग कहीं ज़रूर अच्छी जगह घूमने जाएंगे और फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ननाइमो घूमने में कितना मज़ा आता है. और आज केयूष के स्कूल ना थोड़ा जल्दी जाना है, 12:15 जाना है. कुछ ईस्टर परेड कर रहे हैं वो, तो देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली. इससे पहले मैं कभी नहीं गई हूँ एज सच ईस्टर परेड टाइप्स में. ईशा के स्कूल में एक्टिविटीज होती थी बट बच्चों के साथ ही वो कर लेते थे, पेरेंट्स को नहीं बुलाते थे. ये फर्स्ट टाइम है, लेट्स सी क्या करते हैं वो. What is in there? There's some way. That's eggs. Eggs? I can buy all the eggs. There's so many eggs in there. Who made this? This name. स्कूल में क्या किया आपने आज? प्ले किया. और क्या किया? बनी आया था. कौन आया था स्कूल में? Small bunny yet. किसको देखा फिर आपने? I saw a giant big bunny. Giant big bunny को देखा? He showed these ears. Ears भी देखा? Yeah. और कैसे कर रहा था bunny? Miss Lynn is reading a story. Miss Lynn ने story read किया? He reading hop hop hop. Hop hop hop. कैसे hop hop किया दिखाओ? Hop hop hop. ऐसे hop किया? Yeah. So you had fun? Yeah. Happy Easter बोला? केयूष ने बहुत ही ज़्यादा फन किया, हमने भी देखा. बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं ये बच्चे ना. और ये बास्केट मैंने बनवाया था उन लोगों से जिस दिन मेरा वॉलंटियर था. मैंने बताया था आपको कि वॉलंटियर करना होता है, तो मैं उस दिन गई थी. तो ये वाला बास्केट मैंने बनवाया था, सिंपल सा प्लास्टिक का बास्केट था जिसमें फ्रूट्स पैक्ड होते हैं ना सुपर स्टोर से, जब आप फ्रूट लेते हो तो वो उसमें बास्केट में आता है. तो उस बास्केट को रैप किया था एल्युमिनियम फॉयल से और फिर स्टिकर से डेकोरेट करके, और इसके अंदर उन्होंने ईस्टर कैंडी रख दिया था और ये रियल एग को कलर किया था उन्होंने फूड कलर में विनेगर मिक्स करके. बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या करूं, लाइक इसका ऑमलेट बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए या नहीं. आई एम नॉट श्योर क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ आया है हमारे घर पे. अगर आपको पता है तो आप बताओ. ईस्टर बनी इन आवर हाउस. Oh, that's okay. That's okay. No, he's just attending. My Easter bunny. Oh, my Easter bunny. Oh, my Easter bunny. Oh. ये कैप भी इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट में ही बनाया था. It's like a Easter bunny hat. Yeah, Easter bunny hat. You can make it, Yesha. It's very easy. Mommy. Yeah. Yes, mommy. You had fun, Keyush? Yeah. So much of fun. Right? और अब छुट्टी. 3 days की छुट्टी. ये चलो हमारे घर में तो नेक्स्ट 4 days के लिए बहुत सारी मस्ती होने वाली है. तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो थम्स अप जरूर देना. और अगर आप यूएस कनाडा में हो और ईस्टर की हॉलीडेज हैं तो हैप्पी ईस्टर. खूब मस्ती करो, खूब फन करो बच्चों के साथ. वेदर हो तो खूब सारा घूमो और
मेमोरीज बनाओ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। समर जैसे ही आता है तो ब्लॉग्स भी इंटरेस्टिंग हो ही जाते हैं, और कुछ एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज भी आने वाले हैं कैनेडा रिलेटेड। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। टिल देन यू टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय।